हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज जो है वीडियो काफ़ी लंबे टाइम बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं लगा हुआ था। और एक ये जो पेंटिंग है, इसको मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ। आपने पहले भी वीडियोस देखी होगी, तो इसको मैंने कंप्लीट किया है। और इसको जो है मैंने सचिन पायलट जी, जो अच्छे खासे आप राजस्थान से हैं तो जानते होंगे, एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन है, अच्छा खासा नाम है, अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और काफ़ी लोकप्रिय हैं लोगों में, तो उनकी पेंटिंग मैंने बनाई थी लगभग 6 फीट की। तो उनको गिफ्ट करने के चक्कर में मैं इस पर काम कर रहा था और इसको ड्राई होने में टाइम लग गया। फिर इस पर मैंने वार्निश किया, तो इस पर वार्निश करने के लिए मैंने यूज़ किया है कैमलिन का जो वार्निश आता है, छोटा 100 ml की कुछ बॉटल आती है, तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और ये वाला जो आपको फोटो दिख रही है, ये वाला कैमलिन मैंने यूज़ किया है। तो मेरे पास 2 बॉटल रखी हुई थी, क्योंकि मेरे को पता था कि ये करना है, तो मैंने पहले से ही लाके रखी हुई थी। तो उन 2 बॉटल से मैंने इसको फर्श पे रखकर, काफ़ी बड़ी साइज़ थी तो हैंग तो कर नहीं सकता था जैसे पहले वॉल पर हो रखा था, तो वहाँ से हटाकर मैंने इसको फर्श पे रख के और वार्निश किया। तो वार्निश करने के जो 2 रूल्स हैं, आपको पहले से पता होगा कि एक तो करने से पहले, एक दिन पहले उसको जो है धूप में रखना चाहिए, और दूसरा है कि वार्निश करने से पहले चेक कर लें कि कलर पूरे ड्राई हो गए हों और जो धूल है उसको साफ़ कर दिया। काफ़ी लंबे समय से मैं काम कर रहा था, तो काफ़ी एरियाज़ में धूल भी लग गई थी इस पर। जो वाइट शर्ट आप देख रहे हैं, जो 3 और 4 पोर्ट्रेट है, इसमें वाइट शर्ट तो मैंने रीपेंट किए हैं, इतना टाइम हो गया था, 8 से 9 महीने से काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं रेगुलर काम नहीं कर रहा था इस पर, फिर भी 8-9 महीने में कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया था, तो उसको मेरे को रीपेंट करना पड़ा। उसके बाद में वार्निश किया है मैंने, और सबसे बड़ा चैलेंज था इसको जो है फ्रेम करवा कर और सचिन पायलट जी का जो घर है उनके घर तक लेके जाना, क्योंकि इतना बड़ा फ्रेम है तो ना बाइक पे ले जा सकते, ना कार में ले जा सकते, 4 फीट से ज़्यादा चौड़ा हो गया था। तो मैंने ये वाला जो है इस पर फ्रेम करवाया था और पैकिंग करवाई थी। इसके बाद में जो है मुझे लोडिंग जो गाड़ी आती है वो किराए पर लेनी पड़ी, क्योंकि सेफ ले जाना था, डैमेज नहीं करनी थी, काफ़ी टाइम की मेहनत भी, तो वो रिस्क भी नहीं ले सकता था मैं। तो ये हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं, और लगभग 150 मीटर से पहले हमने गाड़ी रोक ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, आगे हमें पैदल ही लेकर जाना पड़ा। तो ये जो मेरे साथ मेरे भाई वगैरह गए थे, उन्होंने फ्रेम को मेरी हेल्प करवाई थी कि फ्रेम को अंदर ले जाने के लिए। तो ये हम अंदर पहुंच चुके हैं, अंदर आप देख सकते हो ये उनके घर का एक व्यू है, ऑफिस कह सकते हैं या घर कह सकते हैं, और ज़्यादा बड़ी जगह है। भीड़ काफ़ी सारे लोग आए हुए थे हमारी तरह ही मिलने, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे तो आए ही थे उसी दिन। तो ये हम पायलट जी से मिले और उन्होंने क्या कहा वो आप खुद सुन लीजिए, मैं वीडियो को यहाँ पर साइलेंट नहीं कर रहा हूँ। तो उनको पेंटिंग पसंद आई, पेंटिंग देखने के बाद में और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम लगभग वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा रुके थे। तो वहाँ पर पेंटिंग दिखाने के बाद और उनका ये रिव्यू आपने अभी सुना, पेंटिंग काफ़ी पसंद आई। उसके बाद में भी ये तो वीडियो है जो रिकॉर्ड हुई थी, इसके अलावा भी उनको पेंटिंग काफ़ी पसंद आई, उन्होंने बाद में बातचीत में कहा था। और हमने जो हम साथ गए थे भाई वगैरह और मैं, तो हमने सचिन पायलट जी के साथ काफ़ी फ़ोटोज़ कर खिंचवाई, ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, तो ये फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद में हम फ्री होके आ गए। तो इसका जो पेंटिंग का जो क्लोज़र लुक, वो सॉरी यार, मैं खुद रिकॉर्ड करना चाहता था पर काम ही इतने अर्जेंट में हुआ, पहले उनसे टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में दिक्कत हुई, तो जब टाइम मिला तो मैं दिमाग से ही निकल गई वो बात, तो इसका क्लोज़र लुक मैं नहीं ले पाया। मेरी खुद की फ़ोटोग्राफ भी नहीं है पेंटिंग के साथ, एक सिंगल फ़ोटो भी नहीं है। तो यही है जो भी है, ये वीडियो के अंदर जो आपको दिख रही है इतना ही लुक है मेरे पास पेंटिंग का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, थोड़ी डिफरेंट वीडियो थी, थोड़ी व्लॉग मिक्स टाइप की जो वीडियोज़ होती है आजकल चल रही है व्लॉग ट्रेंड में, तो उस तरह की वीडियो थी और पूरी पेंटिंग की भी नहीं थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, पेंटिंग पसंद आई होगी। और इसके जो हैं कुछ शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं, पहले मैं वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर अगर आप देखना चाहो इन प्रोसेस के कुछ हैं, बड़ी वीडियोज़ नहीं हैं पर हैं कुछ, शायद मैंने रियल टाइम भी वीडियो डाली हुई है, अगर वो मिल जाएगी तो मैं वो भी उसका भी लिंक डाल दूंगा आपके लिए।
अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की आर्ट रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।